द समर न्यूज़ देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत ते मैं हां तुहाडे नाल मनप्रीत कौर समरा। सो टोक्यो ओलंपिक दे विच गोल्ड मैडल जीत के भारत का गौरव वधाउण वाले हरियाणा के सपूत नीरज चोपड़ा दे पाले नूं मराठा कौम दे इतिहास दे नाल जोड़न दीआं चर्चावां ने कड़ियां नूं इउं जोड़िया जा रहा है कि जनवरी 1761 दे विच होई पानीपत की तीजी लड़ाई की गाथा नीरज चोपड़ा की सुनहरी गाथा दे नाल आप मुहारे ही नहीं जुड़ रहे, सगों तुहानूं दस दईए कि नीरज दे पूर्वजां दी तंद मराठियां दे नाल जुड़ती है। पानीपत दी तीसरी लड़ाई दी गाथा दी गल करिए तां इतिहास दे पन्नियां ते अंकित है कि भालियां दे नाल दुश्मनां दे दंद खट्टे करन वाले बहादुर मराठियां ने भारत नूं गुलामी तों बचाउण दे लई पानीपत दे मैदान दे विच अपना लहू वहाया है। बेशक जंग ना जित सके पर अबदाली भी परत के नहीं आया। उन्हां ही बहादुर मराठा वंश दे नाल खुद नूं जोड़न वाले रोड समाज दे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो दे विच अपने भाले दे नाल देश नूं सोने दा मैडल दवा दिता है। नीरज दे दादा धर्म सिंह मान दे नाल कहिंदे ने कि मराठे इतिहास रचदे ने। जंगजू मराठा योधिया ने अपना खून पानीपत दी तीसरी लड़ाई दे विच वहाया ते उन्हां दे पोते ने हुण वरियां बाद भाले दे नाल ही जंग जीती है। ये भी इतफाक है तो दिलचस्प तत्व भी है कि नीरज चोपड़ा ने पानीपत के शिवाजी स्टेडियम तो जैवलिन थ्रो यानी भाला सुटन का अभ्यास शुरू किया। छत्रपति शिवाजी ने भी अपने भाले ते माण सी, गर्व सी ते नीरज चोपड़ा जूनियर वर्ग तो ही इतिहास सिरजदा आया है। आओ एक नज़र मारते हैं नीरज चोपड़ा के जूनियर वर्ग तो ही सिरजदे आउंदे इतिहास से। पानीपत नेड़ले खंडरा पिंड दे विच 24 दसंबर 1997 नूं जन्मिया नीरज चोपड़ा डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ का विद्यार्थी रहा। 2016 दे विच भारतीय फौज च भर्ती हुए नीरज ने 2018 दे विच जकार्ता एशियाई खेडां दे गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेडां दे विच 86.47 मीटर की थ्रो दे नाल सोने का तगमा जितया सी। एशियाई ते राष्ट्रमंडल खेडां दे विच सोने दा तगमा जीतण वाला पहला भारतीय अथलीट बनिया ते एशियाई खेडां दे विच नीरज ने 88.07 मीटर दी थ्रो दे नाल सोन तगमा जीतिया सी। एशियाई खेडां दे विच ओह उद्घाटनी समारोह दे विच भारतीय खेड दल दा झंडा बरदार भी रहा ते इसे तो बाद असीं गल करिए तां इस तों पहलां 2018 दे विच दस दईए कि डायमंड लीग दे विच उसने 87.43 मीटर दी थ्रो दे नाल कौमी रिकॉर्ड बनाया। नीरज चोपड़ा ने जूनियर वर्ग दे विच ही अपना दबदबा कायम कर लिया सी। 2016 दे विच एशियाई जूनियर चैंपियनशिप दे विच चांदी दा तगमा जीतण तो बाद विश्व जूनियर चैंपियनशिप दे विच सोने दा तगमा जीतिया सी। उस वेले नीरज ने 86.48 मीटर दी थ्रो दे नाल अंडर 20 दे विच विश्व रिकॉर्ड बनाया सी ते 2016 दे विच सैफ खेडां दे विच सीनियर वर्ग दे विच नीरज ने पहली बार सोने दा तगमा जीतिया। 2017 दे विच एशियन चैंपियनशिप दे विच 85.23 मीटर दी थ्रो दे नाल सोने दा तगमा जीत के टोक्यो ओलंपिक खेडां तो पहला नीरज ने कूणी ते 60 तो उभरदिया 87.86 मीटर दी थ्रो दे नाल ओलंपिक दी टिकट कटाई सी ते 2021 सीजन दे विच उसने लिस्बन विखे 83.18 मीटर थ्रो सुट्टी सी ते टोक्यो विखे उस उपर सब तो वध उम्मीदां सन। जिस बारे गुरबचन सिंह रंधावा ने पेशन गोई की सी कि नीरज मैडल का सब तो वड्डा दावेदार है जो कि उसने सच सिद्ध कर दिखाया। सलाम है भारत माँ दे इस नौजवान नूं जिसने पूरी दुनिया दे विच भारत दा नां ते तिरंगा उच्चा कर दिता है।